और दोस्तों मैं अभी जहाँ पे हूँ ये वाहल गांव का वीडियो है, जो कि वाहल गांव ये सामने दिख रहा है आपको इसको, जहाँ पे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मेरे सामने ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये एयरपोर्ट है और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हल्का आपको दिखे तो तरघर दिखाई दे रहा है, जो कि पूरी तरीके से तैयार हो चुका है पर अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। वहाँ पे ट्रेन रुकता नहीं है, जो कि लोकल ट्रेन है, और मैं वहाँ पे भी जाके आपको दिखाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि तरघर स्टेशन और एयरपोर्ट एक साथ ही चालू होगा। तो चलिए देखते हैं वहाँ का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस वीडियो में स्वागत है आप सबका। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, ताकि हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे सकें। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो छोटा सा लाइक कीजिएगा, और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में एयरपोर्ट और तरघर स्टेशन के बारे में, जो कि एयरपोर्ट और तरघर स्टेशन जो मैं आपको नया अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ तरघर रेलवे स्टेशन, जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला था। तो चलिए हम इसके अंदर जाएंगे और आपको यहाँ कुछ जो यहाँ के काम हो चुके हैं उसको दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए तरघर स्टेशन, और इसके बारे में कुछ खास जानकारी देंगे। तो मिलते हैं स्टेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये जो है ये है एंट्री है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। थोड़ा यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और इस साइड है जो रेलवे टिकट के लिए बनाया है, रेलवे टिकट काउंटर बनाया गया है, और हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा पानी भरा हुआ है। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across. दोस्तों लगभग देखा जाए तो यहाँ पे सारी चीज मतलब लग चुके हैं, सारी जो सुविधाएं हैं, सारे मतलब जितने चीज रहते हैं यहाँ पे, फैन वगैरह। सिर्फ टाइमिंग यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, टिकट काउंटर भी सारे बन चुके हैं। पर हो सकता है जैसे कि दोस्तों मुझे लग रहा है जैसे कि जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे चालू होगा वैसी उसी के साथ चालू कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एस्केलेटर की भी है सुविधा, यहाँ पे दोनों साइड लगाया गया है। पहला एंट्री साइड है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ से दिखाई देता है, और दूसरी बात कि ये है तरघर के साइड से। दोस्तों ऊपर साइड देखेंगे ना तो ये सब सारे पार्किंग है, यहाँ से आप सीढ़ी है चढ़ के अगर जाएंगे तो ऊपर पार्किंग के लिए चले जाते हैं। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I feel good, you look great.
like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है जो पार्किंग एरिया है, और फिलहाल तो ये मैं थक गया सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। और ये देख सकते हैं पूरा पार्किंग एरिया है, फिलहाल अभी सुनसान पड़े हुए हैं, लेकिन आशा है कि जल्दी ही चालू हो जाएंगे। तो चलिए फिर से चलते हैं नीचे। दोस्तों ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हल्का जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया है, जो कि अभी फिलहाल काम चालू है। अब ये है तरघर स्टेशन का पार्किंग एरिया। You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.